तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोगों के उर्दू फॉर बिगनर यानी कि UFB का पार्ट 20 है, यानी कि 20वां पार्ट है, जिसमें हम लोग सीखेंगे तीन अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले उर्दू के शब्द। तो देखिए, पार्ट 19 में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी भी उर्दू के अक्षर को, कोई भी उर्दू का लेटर उठा लीजिए, अगर उसको एक ही मात्रा में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर और बड़ी ये जोड़ देते हैं तो वो अक्षर एक ही मात्रा में बदल जाता है। बस वही वाला फार्मूला, वही वाला ट्रिक यहाँ पर भी यूज़ करना है और इतने सारे तीन अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्दों को आप आसानी से उर्दू में लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। बस वही वाला फार्मूला यहाँ पर क्या करना है, यूज़ कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द है तीन अक्षर से मिलकर बना ए मात्रा वाला शब्द, ये सारा ए मात्रा वाला शब्द है, ठीक है। तो पहला शब्द है रेलवे। रेलवे को उर्दू में कैसे लिखेंगे एंड हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आप लोग को क्या बताइए, सबसे पहले जो शब्द है उसका पहला वर्ड, पहला अक्षर देखिए क्या है। तो इस रेलवे में जो सबसे पहला अक्षर है वो है रे। तो सबसे पहले सोचिए कि रॉ को उर्दू में क्या कहते हैं, तो रॉ को उर्दू में रे कहते हैं, तो लिख ही दीजिए। ये हो गया आप लोगों का रे से रॉ, लेकिन यहाँ पर क्या है, रे है, ठीक है, यानी कि एक ही मात्रा में, इस रॉ को एक ही मात्रा में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोग को बताई ना कि किसी भी अक्षर को, उर्दू का कोई भी लेटर उठा लीजिए, अगर उसको एक ही मात्रा में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देते हैं। तो इस ये रे से तो रॉ हो गया, इसको रे बनाने के लिए, एक ही मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रे के नीचे जेर लगाकर और इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे, तो ये एक ही यानी कि रे में बदल जाएगा, यानी कि एक ही मात्रा में बदल जाएगा। उसके साथ साथ अगला अक्षर देखिए लॉ है। लॉ को उर्दू में कैसे लिखते हैं, लॉ को उर्दू में क्या कहते हैं, तो लॉ को उर्दू में लाम कहते हैं और लिखते ऐसे हैं, ठीक। तो ये हो गया लाम से लॉ। उसके बाद से वे है। वॉ को उर्दू में क्या कहते हैं, वॉ को उर्दू में वाव कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले वाव लिख दीजिए, ये हो गया वाव से वॉ, लेकिन यहाँ पर क्या है, वे है, यानी कि इस वॉ को वे एक ही मात्रा में बदलना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इस वाव के नीचे जेर लगाकर और बड़ी ये जोड़ देंगे, तो ये वे की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक। तो अब इन सब को जोड़िए, अभी जुड़ा कहाँ है, अभी तो अलग अलग है, जोड़ेंगे तब आप आसानी से रेलवे लिख पाएंगे। तो जोड़िए, जोड़ने के लिए तो मैं आप लोग को बताई हूँ कैसे जोड़ा जाता है, ये तो आप लोग शुरुआत से ही जोड़ते आ रहे हैं, आप आसानी से जोड़ लेंगे। देखिए, रे के नीचे जेर है तो आप नॉर्मली रे लिख देंगे, लेकिन नीचे जेर नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं आप लोग को क्या बताई हूँ कि कभी भी ज़बर जेर पेश वगैरह नहीं लिखा जाता है, ऐसा मन में माना जाएगा कि रे के नीचे क्या है, जेर है, ठीक है। तो रे के नीचे जेर और उसके बाद से इसमें बड़ी ये जोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये जो बड़ी ये है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बड़ी ये जब किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज कर लेती है और अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप बना लेती है, ठीक। तो देखिए, रे के, ये रे से तो रा हो गया, लेकिन इस रा के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर रे, और उसके बाद से लाम का आधा भाग उठा लीजिए, ऐसे लाम का आधा भाग उठा लिए और इसी लाम में ये जो वाव है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक। और वाव के नीचे तो जेर है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, वाव के नीचे जेर और ये जो बड़ी ये है ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए, बस। तो देखिए, ये से, ये तो रे से रा हो गया था, लेकिन रे के नीचे जेर था, इस रा के नीचे जेर और उसके बाद से बड़ी ये जुड़कर ये हो गया रे, और लाम से ला रेल, और उसके बाद से वाव के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर वे, तो रेल और वे, रेलवे। इतना आसानी से ये रेलवे लिखा गया। इसी तरह आप लोग जितने भी शब्द हैं उसको आप लोग आसानी से उर्दू में लिख पाएंगे, ठीक। आगे देखिए, अगला शब्द है पेपर। तो पेपर में जो सबसे पहला अक्षर है वो है पे, तो सोचिए पौ को उर्दू में क्या कहते हैं, तो पौ को उर्दू में पे कहते हैं, लिखते कैसे हैं, तो ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया आप लोगों का पे से पौ, लेकिन यहाँ पर पे है यानी कि एक ही मात्रा में है, यानी कि ये तो पे से तो पौ हो गया, लेकिन इसको एक ही मात्रा में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक ही मात्रा में बदलने के लिए क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे ऐसे जेर लगा देते हैं और इसमें बड़ी ये जोड़ देते हैं, तो ये एक ही मात्रा में बदल जाएगा, ठीक। उसके बाद से क्या है, फिर अगला अक्षर फिर से पौ है, तो अभी बताइए पौ को उर्दू में पे कहते हैं, तो फिर से पे लिख दीजिए। उसके बाद से रॉ है, रॉ को उर्दू में रे कहते हैं, अब इन सबको जोड़ दीजिए, अभी जुड़ा नहीं है, तो देखिए जोड़िए, पे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया पे का आधा भाग, ठीक। पे से प हो गया, पे के नीचे जेर है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी ये है इसी पे में लाकर जोड़ देना है, तो बड़ी ये क्या ऐसे ही आकर जुड़ जाएगी, नहीं, जब बड़ी ये किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके कैसा रूप ले लेती है, तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है, ठीक। तो ये हो गया बड़ी ये, तो ये पे से प हो जा रहा था, लेकिन इसके जेर, इसके नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ये क्या हो गया, एक ही मात्रा में बदल गया, ये हो गया पे, और उसके बाद से फिर ये पे का आधा भाग उठा लीजिए, पे का आधा भाग उठा लिए तो ये पे से प हो गया, तो पे और प, और बस ये जो रे है र पूरा ले जाकर इसी में ऐसे चिपका दीजिए। तो देखिए, ये हो गया पे और ये हो गया प, पे से प, तो पे प और र,
पेपर है, लेकिन लेकिन कैसे लिखेंगे? लेकिन में सबसे पहला अक्षर क्या है? ले। ला को उर्दू में लाम कहते हैं, ठीक। लाम से तो ला हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? ए की मात्रा है, ले है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी लाम के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे, ये ले बन जाएगा, ए की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से की है। कौक उर्दू में क्या कहते हैं? कौक उर्दू में काफ कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ई की मात्रा है, और जब कोई अक्षर को ई की मात्रा में बदलना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उर्दू का कोई भी अक्षर को अगर ई की मात्रा में बदलना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा वाला ई की मात्रा है, ये छोटी वाला ई की छोटी वाली ई की मात्रा है कि बड़ी वाली ई की मात्रा है। तो इस की में आप लोग ध्यान से देखिए, छोटी वाली ई की मात्रा है। तो जब छोटी ई की मात्रा रहता है तो किसी भी उर्दू के लेटर को छोटी ई की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस अक्षर के नीचे नॉर्मली सिर्फ जेर लगा देते हैं, तो वो जो अक्षर है छोटी ई की मात्रा में बदल जाता है। तो काफ से तो का हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर की था, छोटी ई की मात्रा था, ठीक। तो इस काफ को की बनाने के लिए बस काफ के नीचे क्या कर दिए? जेर लगा दिए, तो ये हो गया की। और उसके बाद से नौ। नौ को उर्दू में क्या कहते हैं? नून कहते हैं। लिख दीजिए, अब इन सबको जोड़ दीजिए, लेकिन भी आप आसानी से लिख पाएंगे। तो देखिए, लाम का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, लाम का आधा भाग उठा लिए, ठीक। लाम के नीचे जेर है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, और उसके बाद से ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा रूप ले लेगी। तो लाम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया ले, एक ही मात्रा में बदल गया। और उसके बाद से ये काफ जो है ना, काफ का आधा भाग उठा लीजिए, ये हो गया आप लोग का काफ का आधा भाग, बस इतना ही भाग उठाना है, ठीक, 50% भाग। ठीक, काफ का आधा भाग उठा लिए, काफ से का हो गया। की बनाने के लिए जो जेर है नीचे लगा था, यहाँ पर भी है लेकिन हम लोग लिख नहीं रहे। काफ के नीचे क्या है? जेर है, मन में मानना है, लिखेंगे नहीं, ठीक। तो काफ के नीचे जेर जुड़कर की, और ये जो नून है यानी कि न, पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए। तो देखिए, ले और काफ के नीचे जेर जुड़कर की, तो ले की और नून से न, लेकिन। तो रेलवे, पेपर, लेकिन। उसी तरह अगला शब्द क्या है? राजेश, ये नाम है, ठीक है। राजेश कैसे लिखेंगे अगर लिखना हो तो देखिए, सबसे पहले देखिए पहला अक्षर क्या है? रा है। रा को उर्दू में क्या कहते हैं? रे कहते हैं, ठीक। तो लिख दीजिए, रे से तो रा हो गया, रा बनाने के लिए बस अलिफ जोड़ देना है तो रा बन जाएगा। उसके बाद से जे है। ज को उर्दू में क्या कहते हैं? जीम कहते हैं। जीम से तो ज हो गया, लेकिन यहाँ पर ए की मात्रा है, जे है, तो क्या करेंगे? इस जिम से तो जा हो गया, एक ही मात्रा में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसके नीचे जेर लगाकर और बड़ी ये जोड़ देंगे, एक ही मात्रा में बदल जाएगा, ठीक। उसके बाद से शाह है। कौन सा शाह है? तो तालाबे शाह है। तो इस शाह को उर्दू में क्या कहते हैं? बड़ी शीन कहते हैं। तो लिख दीजिए बड़ी शीन, ठीक है, ये हो गया बड़ी शीन। देखिए, इस शीन को भी ना ऐसे भी लिखा जाता है, इस तरह करके ऐसे लिखा जाता है, ठीक। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पर यही वाला लिख रही हूँ, ये शीन से शाह, ठीक। अब इन सबको जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? रे जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। रे से रा हो गया, अब ये जो अलिफ है ले जाकर चिपका दीजिए, रा हो गया, रा, ठीक है। और उसके बाद से जिम का आधा भाग उठा लेना है, उठा लीजिए ये जिम का आधा भाग। जिम के नीचे जेर है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसे आकर जुड़ जाएगी। और ये जो शीन है पूरा का पूरा, ये देखिए, एक दो तीन, तीन ठो नोक निकला हुआ है ना, तो यहाँ पर भी आप लोग को तीन ही ठो नोक निकालना है, एक दो तीन, और उसके बाद से ये बड़ा वाला आप एक आधा चांद की तरह बना देना है, ठीक है। और ऊपर तीन ठो क्या है? नुक्ता है, तो आप लोग भी तीन ठो नुक्ता दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए, रे में अलिफ जुड़कर रा, और जिम के नीचे जेर है और बड़ी ये जुड़कर, जिम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर जे, और सीन से श, तो रा जे श, राजेश, ठीक। आगे बढ़िए, टुकड़े। टुकड़े को उर्दू में कैसे लिखेंगे? पहला अक्षर क्या है? टू। टॉ को उर्दू में क्या कहते हैं? टॉ को उर्दू में टे कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए, टे से तो ट हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? टू, यानी कि ऊ की मात्रा में बदलना है। तो किसी भी उर्दू के अक्षर को, लेटर को ऊ की मात्रा में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला कि बड़ा वाला। तो देखिए, टू में छोटा वाला ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पर जब किसी भी उर्दू के लेटर को छोटा वाला ऊ की मात्रा में बदलना रहता है ना, तो सिंपली हम उस अक्षर के ऊपर, उस लेटर के ऊपर सिर्फ पेश जोड़ देते हैं। तो सिर्फ ये टे के ऊपर पेश लगा देंगे ना, तो बस ये टू में बदल जाएगा, यानी कि ऊ की मात्रा में बदल जाएगा। तो टे से त हो जा रहा था, लेकिन टे के ऊपर जब पेश लगा दिए तो टू हो गया, यानी कि ऊ की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये टू हो गया। उसके बाद से क। क को उर्दू में क्या कहते हैं? क को उर्दू में काफ कहते हैं। और उसके बाद से रे है। ड को उर्दू में रे कहते हैं, ठीक। इस तरह रे लिखा जाता है, ठीक। रे से तोड़ा हो गया, एक ही मात्रा में बदलने के लिए क्या करेंगे? इस रे के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे, तो ये एक ही मात्रा में बदल जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़िए। टे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ठीक। टे के ऊपर पेश है, तभी तो टू हो रहा है ना, लेकिन हम लोग ऊपर पेश नहीं लिखेंगे, ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो टे के ऊपर पेश है ऐसा मन में मानेंगे, तो टू हो गया। उसके बाद से काफ का आधा भाग उठा लीजिए,
काफ का आधा भाग उठा लिए, ठीक है, और ये जो रे है यहाँ पर ले जाकर काफ में चिपका देंगे, ठीक है। रे के नीचे जेर है और ये जो बड़ी है ले जाकर सिर्फ चिपका दीजिए ऐसे। देखिए टे के ऊपर पेश जुड़कर टू लिखे नहीं हम लोग, पेश जब किसी भी अक्षर के ऊपर पेश जुड़ता है तो वो की मात्रा में बदल जाता है, तो टे के ऊपर पेश है लेकिन हम लोग लिखे नहीं है, ठीक। तो टू और काफ से का टूक, और रे के नीचे जेर है और बड़ी है जुड़कर रे, ठीक है, तो टुक और रे टुकड़े, ठीक। आगे बढ़िए दूसरे, दूसरे में सबसे पहला अक्षर क्या है, दू। द को उर्दू में क्या कहते हैं, द को उर्दू में दाल कहते हैं, ये तो बड़ा सिंपल है लिखना, दाल से तो द हो गया लेकिन यहाँ पर क्या है, दू है यानी कि ऊ की मात्रा है। तो सबसे पहले देखिए कि कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला कि बड़ा वाला, तो इस दू में बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा था टू में, तो सिर्फ उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर ऊ की मात्रा में बदल दे रहे थे, यानी कि छोटा वाला ऊ की मात्रा में बदल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। तो जब बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो उर्दू के लेटर को बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है, उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ दिया जाता है, तो वो जो अक्षर है बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदल जाता है। तो दाल से तो द हो जा रहा था लेकिन इसको बड़ा वाला दू की मात्रा में बदलने के लिए, बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदलने के लिए हम इस दाल के ऊपर पेश लगा दिए और उसके साथ साथ इसमें वाव जोड़ दिए, तो बड़ा वाला ये ऊ की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक। और उसके बाद से सौ है, सौ को उर्दू में क्या कहते हैं, सीन कहते हैं, इस तरह सीन लिखा जाता है। और फिर रे है, रा को उर्दू में क्या कहते हैं, रा को उर्दू में रे ही कहते हैं। और उसके बाद से एक ही मात्रा में बदलना है, इस रे से तो रा हो गया, इसको एक ही मात्रा में बदलने क्या क्या बदलने के लिए क्या करेंगे, इस रे के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे, ये रे एक ही मात्रा में बदल जाएगा। अब इन सबको जोड़िए, देखिए दाल जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, दाल के ऊपर पेश है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो वाव है दाल में जाकर जुड़ जाएगा, ठीक। और सीन का ये जो आधा भाग है, इतना भाग, तीनों नोकीदार भाग, उसको उठा लेना है ऐसे, ठीक है। तो ये सीन का आधा भाग उठा लिए, सीन से सौ हो गया, और ये जो रे है इसे सीन में ले जाकर जोड़ देना है, और रे के नीचे तो जेर है ही है, बस ये जो बड़ी है ले जाकर ऐसे चिपका देंगे रे में। तो देखिए दाल के ऊपर पेश है, दाल के ऊपर पेश और वाव जुड़कर दू, सीन से सौ, और रे के नीचे जेर है और बड़ी जुड़कर रे, तो दू सरे दूसरे। उसी तरह तीसरे भी आप लोग लिख लेंगे, जब दूसरे लिखे तो तीसरे लिखना कौन सी बड़ी बात है। तीसरा देखिए, तीसरे में सबसे पहला अक्षर क्या है, ती। तो उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए ते में क्या है, ई की मात्रा है, ती है, तो कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो ये जो ती है इसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो जब बड़ी ई की मात्रा रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी उर्दू के लेटर को बड़ी ई की मात्रा में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आप याद कीजिए, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर और छोटी ये जोड़ देते हैं, तो वो जो अक्षर है वो बड़ी ई की मात्रा में बदल जाता है, ठीक। तो देखिए ते से त हो जा रहा था लेकिन ते के नीचे जेर लगाकर और इसमें छोटी ये जोड़ दिए, तो ये बड़ी वाली ती की मात्रा में बदल जाएगा, यानी कि बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से सौ है, सौ को उर्दू में क्या कहते हैं, यहाँ पर सीन अभी तो बताई, और उसके बाद से रा, रा को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं, रे से तो रा हो गया, एक ही मात्रा में बदलने के लिए इसके नीचे जेर लगाकर और बड़ी ये जोड़ देंगे, ठीक। अब देखिए इन सबको जोड़िए, ते का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये उठा लिए ते का आधा भाग, और ते के नीचे क्या है, जेर है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो छोटी है ले जाकर जोड़िए, छोटी है किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो वो भी अपना शक्ल चेंज करके वैसा ही रूप बना लेती है जिस तरह की बड़ी है। देखिए बड़ी ये भी अपना शक्ल चेंज कर लेती है तो ऐसा ही रूप धारण कर लेती है जिस तरह की छोटी है, मतलब जिस तरह छोटी अपना शक्ल बनाती है उसी तरह बड़ी ये भी किसी दूसरे अक्षर में जुड़ने के बाद शक्ल बना लेती है। तो देखिए ते के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर बड़ी वाली ती यानी कि ती में बदल गया। उसके बाद से सीन का ये जो नोकीदार पार्ट है आधा भाग उठा लीजिए, ये हो गया सीन से सौ, और ये जो रे है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, रे के नीचे जेर है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, ये जो बड़ी है ले जाकर चिपका दीजिए बस। देखिए ते के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर ती और सीन से सौ, रे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर रे, तो ती स रे तीसरे। कितना आसानी से तीसरे भी लिखा गया, दूसरे भी लिखा गया। अब आगे बढ़िए, अब हम लोग फटाफट करते हैं चलने। चलने में सबसे पहला अक्षर क्या है, चौ। चौ को उर्दू में चे कहते हैं, चे से तो च हो गया। उसके बाद से ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, लाम से ल हो गया। ने, न को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, लेकिन ने बनाने के लिए एक ही मात्रा में बदलने के लिए इसके नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। अब इन सबको जोड़ देना है, ये जो है चे, चे का आधा भाग उठा लीजिए, चे का आधा भाग उठा लिए, चे से तो च हो गया। लाम का आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए, लाम से ल हो गया। और नून का आधा भाग उठा लीजिए, नून का आधा भाग उठा लिए, नून से न हो गया। नून के नीचे जेर है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, और नून के नीचे जेर है लेकिन ये जो बड़ी है इसको तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये जो बड़ी है जिस तरह यहाँ पर लिखा गया है उसी तरह आकर बड़ी है इसी नून में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए चे से च, लाम से ल चल, और नून के नीचे जेर, नून के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़ कर ने, तो चल और ने चलने, ठीक। उसी तरह अपने, अपने में सबसे पहला अक्षर क्या है, अ। अ को उर्दू में अलिफ कहते हैं, अलिफ से अ हो गया प। प को उर्दू में क्या कहते हैं,
पे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद से ने, नौक उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, नून से ना हो गया ने, यानी कि एक ही मात्रा में बदलने के लिए इसके नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे, ठीक। अलिफ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, पे का आधा भाग उठाया गया है, उठा लेना है बस ऐसे, पे से प हो गया, और नून का आधा भाग जो है ना उस तरह उठा लेना है नून, और नून के नीचे क्या है, जेर है, और जेर हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है इसी नून में ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए, अलिफ से और, अलिफ से और, पे से प, अप, और नून के नीचे जेर, और बड़ी ये जुड़कर ने, तो अप और ने, अपने, ठीक। आगे बढ़िए, जलेबी, जलेबी किस तरह लिखेंगे उर्दू में, सबसे पहला अक्षर देखिए जौ, जौ को उर्दू में क्या कहते हैं, जीम कहते हैं, जीम से तो जौ हो गया। उसके बाद से ले, लौ को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं, और ले यानी कि एक ही मात्रा में बदलने के लिए इस लाम के नीचे जेर लगाकर और बड़ी ये जोड़ देंगे तो ले में बदल जाएगा एक ही मात्रा में। उसके बाद से बी है, बौ को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बी यानी कि ई की मात्रा है, तो देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो जब बड़ी वाली ई की मात्रा रहती है तो उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर और छोटी ये जोड़ देते हैं तो वो बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाती है, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़िए, देखिए जिम का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लेना है, ठीक है। और उसके बाद से लाम का आधा भाग उठा लीजिए, ऐसे लाम का आधा भाग, लाम के नीचे क्या है, जेर है, बस हम लोग लिखेंगे नहीं, और ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करेगी और लाम में ऐसे आकर जुड़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद से बे का आधा भाग है, इसको भी उठा लीजिए, बे के नीचे क्या है, जेर है, तो जेर तो हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे, और ये जो छोटी ये है बस ले जाकर लास्ट में ऐसे बे में जोड़ देना है। देखिए जिम से जाओ और लाम के नीचे जेर था, हम लोग लिखे नहीं, तो लाम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ले, और बे के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर बी, तो जा ले बी, जलेबी। कितना आसानी से जलेबी भी लिखा गया। आगे बढ़िए, हवेली, हवेली में सबसे पहला अक्षर क्या है, ह, ह को उर्दू में क्या कहते हैं, हे कहते हैं, तो यहाँ पर हे लिख दीजिए। उसके बाद से वे है, वाव को उर्दू में क्या कहते हैं, वाव कहते हैं। अब वे यानी कि ये की मात्रा में बदलने के लिए इस वाव के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे तो वे की मात्रा यानी कि ये की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से ली है, लौ को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं। ली बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है ली में, तो बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो इस लाम के नीचे जेर लगाकर और छोटी ये जोड़ देंगे तो ये बड़ी वाली ली की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक है। अब जोड़िए इन सबको, हे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से ये जो वाव है पूरा का पूरा ले जाकर हे में जोड़ दीजिए। वाव के नीचे तो जेर है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, और ये जो बड़ी ये है, बड़ी ये अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी वाव के पास आकर चिपक जाएगी, तो वाव के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर वे, और लाम का आधा भाग उठा लीजिए, लाम का आधा भाग उठा ली, और लाम के नीचे जेर है और ये जो छोटी है बस लाम में से आकर जुड़ जाएगी। तो देखिए, ह और वाव के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर, बड़ी ये जुड़कर वे, और लाम के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर ली, तो ह वे और ली, हवेली, ठीक है। आगे बढ़िए, अकेले, अकेले में सबसे पहला अक्षर क्या है, अ को उर्दू में क्या कहते हैं, अलिफ कहते हैं, तो लिख दीजिए। और उसके बाद से क है, के, तो क को उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं, काफ से क हो गया लेकिन यहाँ पर क्या है, के है, यानी कि ये की मात्रा में है ये के, तो क्या करेंगे, काफ के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे, ये के यानी कि ये की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से ले है, लौ को उर्दू में लाम कहते हैं, ले बनाने के लिए यानी कि ये की मात्रा में बदलने के लिए इस लाम के नीचे भी क्या करेंगे, जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देना है, देखिए अलिफ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, और काफ का आधा भाग उठा लीजिए, काफ का आधा भाग उठा लिया, और काफ के नीचे क्या है, जेर है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करके इसी काफ में आकर जुड़ जाएगी, और लाम का ये जो आधा भाग है इसको भी उठा लीजिए ऐसे, और लाम के नीचे जेर है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी ये है लाम के पास आकर ऐसे जुड़ जाएगी। तो देखिए, अलिफ से अ और काफ के नीचे जेर है, ठीक, और काफ के नीचे जेर और बड़ी ये है ये, तो काफ के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़ कर के, और लाम के नीचे जेर और ये बड़ी ये जुड़ कर ले, तो अ के ले, अकेले, ठीक। आगे देखिए, सहेली, सहेली में सबसे पहला अक्षर क्या है, सौ, सौ को उर्दू में क्या कहते हैं, सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, तो लिख दीजिए, सीन से सौ हो गया, हे है, ह को उर्दू में क्या कहते हैं, ये वाला है छोटी है, ठीक है। और उसके बाद से हे है यानी कि एक ही मात्रा में बदलना है, तो इस हे के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद से ली है, लौ को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं, और ली बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो जब बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलना होता है तो उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर और छोटी ये जोड़ देते हैं, बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाता है, ठीक है। अब इन सबको जोड़िए, सीन का आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए, ठीक है। और उसके बाद से ये जो हे है, मैं आप लोग को बताई हूँ, अपना शक्ल चेंज कर लेती है जब किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है ना, तो ये अपना शक्ल चेंज करके और ऐसा रूप ले लेती है, ठीक है। तो ये हो गया हे, और हे के नीचे क्या है, जेर है, ये से तो हो गया है, और इसी के नीचे जेर है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, और इसमें ये जो बड़ी ये है इसी है में आकर जुड़ जाएगी,
तो बड़ी अपना शक्ल चेंज कर लेगी, ये बड़ी है शक्ल चेंज करके और ऐसा रूप ले लेगी। तो सीन से स हो जा रहा था और हे से ह, और इसी ह के नीचे जेर था, हम लोग लिख नहीं रहे हैं, जेर और बड़िए जुड़कर ये हो गया हे, और उसके बाद से लाम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, लाम के नीचे जेर है हम लोग लिखेंगे नहीं, और ये जो छोटी ये है आकर ऐसे जुड़ जाएगी। तो देखिए सीन से स, हे के नीचे जेर और बड़िए जुड़कर हे, और लाम के नीचे जेर और छोटी जुड़कर ली, तो स हे ली सहेली। ठीक, आगे बढ़िए इतने, इतने में सबसे पहला अक्षर क्या है, ई। तो सबसे पहले ये सोचिए कि ई को उर्दू में क्या कहते हैं, ई को उर्दू में कैसे लिखा जाता है। पहले देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है, ये छोटा वाला ई की मात्रा है, तो छोटा वाला ई को उर्दू में कैसे लिखते हैं, देखिए सिंपली अलिफ़ के नीचे जेर लगा दिया जाता है तो वो हो जाता है ई, अलिफ से अ होता है और अलिफ के नीचे जब जेर लगा दिया जाता है तो छोटा वाला ई बन जाता है, तो ये हो गया अलिफ के नीचे जेर जुड़कर ई और उसके बाद से छोटा वाला ई। और फिर क्या है, त, त को उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, लिख दीजिए ते से त हो गया, और ने है, न को उर्दू में नून कहते हैं, ने बनाने के लिए इसके नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इन सबको जोड़ देना है, अलिफ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख देंगे, अलिफ के नीचे जेर है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं। ठीक, उसके बाद से ते का आधा भाग उठा लीजिए, ये हो गया ते से त, फिर नून का आधा भाग उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का नून से ना, नून के नीचे जेर है हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये नून में क्या होगा, बड़ी ये जाकर ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अलिफ के नीचे जेर जुड़कर ई, अलिफ के नीचे जेर हम लोग लिखे नहीं है, ठीक, तो अलिफ के नीचे जेर जुड़कर ई, ते से त, और नून के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ने, तो ई त ने इतने। ठीक, उसी तरह देखिए उतने अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऊ, यहाँ पर कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, कौन सा वाला ऊ है, छोटा वाला ऊ है, तो जब छोटा वाला ऊ रहता है तो उसको उर्दू में कैसे लिखते हैं, अलिफ से तो आ होता है, बस अलिफ के ऊपर पेश लगा देते हैं तो वो ऊ बदल जाता है, ऊ बन जाता है, तो अलिफ के ऊपर पेश जुड़कर ये हो गया ऊ, और त है, त को उर्दू में क्या कहते हैं, ते, ते से त हो गया, और ने है, न को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं। ठीक है, नून से न हो गया और इसको ए यानी कि ने की मात्रा में बदलना है, ए की मात्रा में, तो क्या करेंगे, नून के नीचे जेर लगा कर बड़ी ये जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए अलिफ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख देंगे, अलिफ के ऊपर क्या है, पेश है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, और ते का आधा भाग जो है ना ऐसे उठा लीजिए, और फिर नून का भी आधा भाग ऐसे उठा लीजिए, और फिर नून के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी ये है ऐसे आकर जुड़ जाएगी। देखिए अलिफ के ऊपर पेश था तो अलिफ के ऊपर पेश जुड़कर ऊ हो गया, और ते से त, और नून के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ने, तो ऊ त ने उतने, ये हो गया इतने और ये हो गया उतने, लेकिन देखने में तो दोनों एक ही जैसा है ना, इतने, ये इतने लिखा है और ये उतने लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है, इतने और उतने दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है। अगर मैं एक जगह ऐसे लिख दूँ, एक जगह इसी तरह लिख दूँ तो इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, यही वाला बात, अगर मैं एक जगह लिख दूँ तो इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, इतने पढ़ेंगे कि उतने पढ़ेंगे, इसको आप इतने भी पढ़ सकते हैं उतने भी पढ़ सकते हैं दोनों पढ़ सकते हैं। अब ये इसको कब इतने पढ़ेंगे और कब उतने पढ़ेंगे ये आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली आप इसको दोनों पढ़ सकते हैं, जब सिचुएशन आएगा परिस्थिति आएगा उतने बोलने की तब आप इसको उतने पढ़ेंगे उतने बोलेंगे। ठीक, और अगर इतने बोलने की सिचुएशन आ जाएगा तो तब आप इसको इतने बोलेंगे कि इतने सारे सामान यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं, तब वहाँ पर इतने के जगह पर उतने थोड़ो ना बोलेंगे, इतने ही बोलेंगे। और अगर उतने बोलना हो कि उतने सारे बकरी, ठीक है, तो उतने सारे के जगह पर इतने थोड़ो ना बोलेंगे। तो इसी तरह आप लोगों को खुद सेंस यूज़ करना है, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, ठीक, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, बस अगर इस अलिफ के ऊपर पेश लगा देंगे तो उतने पढ़ा जाएगा। अगर मान लेते हैं मन में कि अलिफ के ऊपर क्या है, पेश है, तो तब आप इसको उतने पढ़ेंगे, और इसी अलिफ के नीचे अगर जेर मान लेते हैं तब आप इसको इतने भी पढ़ सकते हैं, तो दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कब इसको क्या पढ़ेंगे। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़िए चेहरा, चेहरा में सबसे पहला अक्षर क्या है, च को उर्दू में क्या कहते हैं, तो चे ही कहते हैं, तो लिख दीजिए चे से च हो गया, लेकिन ए यानी कि ए की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चे के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे, तो ये जो चे है ए की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से ह है, ह को उर्दू में ये छोटी है कहेंगे, और उसके बाद से रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं, रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। अब इन सबको जोड़िए, चे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए चे से, तो च हो गया, उसके बाद से चे के नीचे क्या था, जेर और बड़ी ये जुड़कर चे हो जाता है, एक ही मात्रा में बदल जा रहा था, तो चे के नीचे जेर है हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके चे में जाकर जुड़ जाएगी, और ये जो हे है ये भी अपना शक्ल चेंज करेगी और अपना शक्ल ऐसे बना लेगी। ठीक, और ये जो रे है इसी हे में ऐसे जुड़ जाएगा, और रे में अलिफ जुड़कर रा, तो देखिए चे के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर चे, हे से ह और रे में अलिफ जुड़कर रा, तो चे ह रा, चेहरा। ठीक, आगे बढ़िए बेचारा,
बेचारा लिखना हो तो आप लोग कैसे लिखेंगे? बे। लॉक उर्दू में क्या कहते हैं? बे कहते हैं। इसको यहाँ पर क्या है? बे है, यानी कि ए की मात्रा में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे? इस बे के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे, ए की मात्रा में बदल जाएगा। चा है, चा को उर्दू में क्या कहते हैं? चौ। चौ को उर्दू में चे कहते हैं, चा बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। और उसके बाद से रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं, रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। अब इन सब को जोड़िए, बे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया। बे के नीचे क्या है? जेर है। और हम लोग बे के नीचे जेर तो नहीं लिखेंगे, लेकिन ये जो बड़ी है जाकर बे में जुड़ जाएगा, अपना शक्ल चेंज करके जुड़ गई। ठीक, तो बे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर बे, और चे का आधा भाग उठा लीजिए, चे का आधा भाग उठा लिए और चे में अलिफ जोड़ दीजिए तो चा हो जाएगा। और रे उठा लाइए, चिपका दीजिए ऐसे, और रे में अलिफ ले जाकर जोड़ दीजिए। तो देखिए, बे के नीचे जेर और ये बड़ी ये जुड़कर बे, और चे में अलिफ जुड़कर चा, और रे में अलिफ जुड़कर रा, तो बे चा रा, बेचारा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो बे था ना, बे का आधा भाग उठाए थे और बे के नीचे जेर हम लोग लिख नहीं रहे हैं, बस ये जो बड़ी है ना, इसको पूरा का पूरा ऐसे लाकर जोड़ सकते थे। बे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर बे हो गया, और चारा को अलग लिख दीजिए, चे का आधा भाग उठा लीजिए और चे में अलिफ जोड़ दीजिए, और रे का रे पूरा का पूरा उठा लीजिए और रे में अलिफ जोड़ दीजिए। तो आप ऐसे भी बेचारा लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का बेचारा। आगे बढ़िए, करेला। करेला को कैसे लिखेंगे? सबसे पहला अक्षर क्या है? कौ। कौ को उर्दू में क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। काफ से क हो गया, रे है। रा को उर्दू में क्या कहते हैं? रे कहते हैं। रे से तो रा हो गया। एक ही मात्रा में बदलने के लिए इस रे के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। ला है। ला को उर्दू में क्या कहते हैं? लाम कहते हैं। लाम से ला हो गया, ला बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। अब इन सबको जोड़िए, काफ का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, और काफ के ये इसी आधा काफ में आप क्या करेंगे, ये जो रे है ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, रे के नीचे जेर है, बस ये जो बड़ी ये है, ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और रे के पास आकर चिपक जाएगी। ठीक, और ये जो लाम है, लाम का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, लाम का आधा भाग, और लाम से ला हो गया, ला बनाने के लिए बस ये जो अलिफ है इसी लाम में ऐसे आकर चिपक जाएगा। तो देखिए, काफ से क और रे के नीचे जेर और ये बड़ी ये जुड़कर रे और लाम में अलिफ जुड़कर ला, तो क रे ला, करेला। आगे बढ़िए, बेसन। बेसन लिखना है तो देखिए, पहला अक्षर क्या है? बे। बौ को उर्दू में क्या कहते हैं? बे कहते हैं। ए की मात्रा में बदलने के लिए इसी बे के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। उसके बाद से सौ है, सौ को उर्दू में क्या कहते हैं? सीन कहते हैं। उसके बाद से नौ है, नौ को उर्दू में क्या कहते हैं? नून कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, बे का आधा भाग जो है ना, उठा लीजिए, बे का आधा भाग उठा लिए, बे के नीचे जेर है, बड़ी ये बे के नीचे जेर है तो हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके आके बे में चिपक जाएगी। सीन है, सीन का ये आधा भाग उठा लीजिए, नोकीदार भाग उठा लिए। ठीक, सीन से सौ और ये जो नून है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए। तो देखिए, बे के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर बे, सीन से सौ और नून से ना, तो बे स न, बेसन। ठीक, आगे बढ़िए, पढ़ने। पढ़ने में सबसे पहला अक्षर क्या है? प। प को उर्दू में क्या कहते हैं? पे कहते हैं। अब यहाँ पर पे से तो प हो गया, ढ है, ढ। जिस तरह डी से ड और डी में एच जोड़ देते हैं, डी एच से ढ, उसी तरह उर्दू में रे से ड होता है और इसी रे में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं हे उर्दू में। ठीक है, हे जोड़ देते हैं, तो ये हो गया आप लोगों का ढ, इस रे में हे जुड़ गया तो ढ। उसके बाद से ने है, न को उर्दू में क्या कहते हैं? नून कहते हैं। ने बनाने यानी कि एक ही मात्रा में बदलने के लिए इस नून के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। अब इन सबको जोड़ दीजिए, पे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया पे से प, और ये जो रे है, ये जो पूरा का पूरा ढ, उस वो ये पूरा का पूरा ढ जो है ना, ढ ला कर इसी पे में जोड़ दीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो देखिए, पे से प और ये हो गया आप लोगों का ढ, और नून का आधा भाग उठा लीजिए इसी नून में, ये जो नून का आधा भाग है ना, इसी ढ में लाकर ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक, तो देखिए, नून हो गया, नून के नीचे क्या है? जेर है, और ये जो बड़ी है बस इसी नून में ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए। ठीक, तो पे से प और ये हो गया ढ, और नून के नीचे जेर है, हम लोग लिखे नहीं हैं, तो नून के नीचे जेर और बड़ी जुड़ कर ने, तो प ढ ने, पढ़ने। ठीक, आगे बढ़िए, केवल। केवल में सबसे पहला अक्षर क्या है? के। कौक उर्दू में क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। के बनाने के लिए एक ही मात्रा में बदलने के लिए इस काफ के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद से व है, वाक उर्दू में क्या कहते हैं? वाव कहते हैं। ला है, ला उर्दू में लाम कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, काफ का आधा भाग उठा लीजिए, काफ का आधा भाग उठा लिए, और काफ के नीचे क्या है? जेर है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे काफ में आकर जुड़ जाएगी। ठीक, और ये जो वाव है इसी ये में जोड़ दीजिए और लाम ले जाकर चिपका दीजिए। देखिए, काफ के नीचे जेर
और बड़ी ये जुड़कर के वाव से वा और लाम से ला, तो केवल। आगे बढ़िए केरल, जिस तरह केवल लिखे उसी तरह केरल लिखेंगे, बस र आ गया है यहाँ पर। काफ से क हो गया, और के बनाने के लिए काफ के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, तो के हो जाएगा। उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं, और ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं। अब इन सबको जोड़िए। काफ का आधा भाग जिस तरह यहाँ पर उठाए थे उसी तरह उठा लीजिए। काफ के नीचे जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है इसी काफ में आकर अपना शक्ल चेंज करके जुड़ जाएगी, तो के हो गया। उसके बाद से ये जो रे है ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए, और लाम को भी ले जाकर रे में जोड़ दीजिए। तो देखिए, काफ के नीचे जेर और बड़ी जुड़ करके रे से रा और लाम से ला, केरल। आगे बढ़िए मेरठ। मेरठ में सबसे पहला अक्षर क्या है, मे। माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। मीम से माँ हो गया। मे बनाने के लिए मीम के नीचे जेर लगाकर बड़ी जोड़ दिए। र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। ठ है, ठ को उर्दू में जिस तरह टी से ट, टी में एक एच जोड़ देते हैं, टी एच से ठ, उसी तरह उर्दू में टे से ट होता है, और इसी टे का आधा भाग मिटाकर ऐसे, और इसी टे में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं, तो ये हो गया ठ। तो अब देखिए इन सबको जोड़िए। मीम का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये हो गया मीम से मा। मीम के नीचे जेर लगाकर, जेर तो है ही, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है आकर ऐसे शकल चेंज कर चिपक जाएगी। तो मीम के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर ये हो गया मे, और ये जो रे है रा लाकर ऐसे जोड़ दीजिए इसी ये में, ठीक है। और ये जो ठा है जिस तरह लिखा है उसी तरह ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए, ठीक है। तो मीम के नीचे जेर बड़ी जुड़कर मे और रे से रा और ठे से, ये हो गया आप लोग का ठा। तो मे रा ठा, मेरठ। आगे बढ़िए केसर। केसर में सबसे पहला अक्षर क्या है, के। क को उर्दू में काफ कहते हैं। के बनाने के लिए काफ के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। स है, स को उर्दू में सीन कहते हैं। उसके बाद से रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़िए। काफ का आधा भाग उठाना है, उठा लीजिए। काफ के नीचे जेर हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके काफ में जुड़ जाएगी। काफ के नीचे जेर और बड़ी जुड़ कर के हो गया। सीन का आधा भाग उठा लीजिए, ये उठा दिए हम लोग सीन का आधा भाग, और ये जो रे है इसी सीन में जोड़ दीजिए। तो देखिए काफ के नीचे जेर और बड़ी जुड़ करके सीन से स रे से र, तो के स र, केसर। आगे बढ़िए रेशम। रेशम में सबसे पहला अक्षर क्या है, रे। र को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। रे से तो रा हो गया, एक ही मात्रा में बदलने के लिए जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दिए। उसके बाद से श है, शाह को उर्दू में शीन कहते हैं, ये बड़ी शीन। और उसके बाद से माँ है, माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। अब इन सबको जोड़ना है। रे जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। रे के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके रे के पास ऐसे आकर चिपक जाएगी। शीन का जो है ये आधा भाग उठा लीजिए, नुकीदार भाग, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का शीन से श, और मीम जो है पूरा का पूरा लाकर इसी शीन में ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए रे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर रे, शीन से श, मीम से म, रेशम। आगे बढ़िए सवेरा। सवेरा में सबसे पहला अक्षर क्या है, स। स को उर्दू में कहते हैं सीन, तो यहाँ पर सीन लिख दीजिए, ठीक। और उसके बाद से वे है, वाह को उर्दू में वाव कहते हैं। वे बनाने के लिए एक ही मात्रा में बदलने के लिए जेर लगाकर बड़ी जोड़ दिए। उसके बाद से रा है, रा को उर्दू में क्या कहते हैं, रे। रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। अब इन सबको जोड़ना है। सीन का आधा भाग उठा लीजिए, सीन का आधा भाग उठा लिए, सीन से स हो गया, और ये जो वाव है इसी सीन में ऐसे जोड़ दीजिए। वाव के नीचे जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे रूप लेकर और वाव के में चिपक जाएगी, ठीक है। और उसके बाद से ये जो रे है इसी ये में ऐसे जुड़ जाएगा, और ये में अलिफ ऐसे चिपका दीजिए। तो देखिए सीन से स और वाव के नीचे जेर और ये बड़ी ये जुड़कर वे और रे में अलिफ जुड़कर रा, तो स वे रा, सवेरा, ठीक। आगे बढ़िए निकले। निकले में सबसे पहला अक्षर क्या है, नी। ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ई की मात्रा है। कौन सा वाला ई की मात्रा है, नी में, तो छोटा वाला ई की मात्रा है। तो जब छोटा वाला ई की मात्रा रहता है तो हम उस अक्षर को छोटा वाला ई की मात्रा में बदलने के लिए क्या करते हैं, बस जेर लगा देते हैं। नून के नीचे जेर जुड़कर नी हो जाएगा, छोटा वाला नी। और क है, क को उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। और ले है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं। ले बनाने के लिए जेर लगाकर बड़ी जोड़ देंगे, ठीक। अब इन सबको जोड़ना है। नून का आधा भाग उठा लीजिए, नून का आधा भाग उठा लिए। नून के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, और ये जो काफ है काफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और ये जो काफ का ये सीधा वाला भाग है बस यहाँ पर ऐसे गोल हो जाएगा, ठीक। ऐसे गोल हो जाएगा कर्व, ये जो सीधा वाला भाग है ना ऐसे यहाँ पर कर्व हो जाएगा गोल, ठीक। और काफ से तो क हो गया, ठीक है। और उसके बाद से ये लाम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, लाम का आधा भाग उठा लिए। लाम के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी ये है इसी लाम में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। तो देखिए नून के नीचे, नून के नीचे जेर है तो नी हो गया और काफ से क, और लाम के नीचे जेर, लाम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़ कर ले, तो नी क ले, निकले। तो ये हो गया आप लोगों का निकले। तो इतने सारे तीन अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्दों को मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखना और पढ़ना बताई थी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि आप लोगों को करना क्या है, ठीक। सबसे पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट। अब
आगे समझिए। देखिए, तीन अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले हिंदी के 10 ठो शब्दों को मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा मिटक गया है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये घूमने लिखा है और ये सितारे लिखा है। ठीक है, तो ये 10 ठो शब्द है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है ना कि आप लोगों को इन 10 के 10 शब्दों को कॉपी पर सबसे पहले जैसे हिंदी में लिखा हुआ उसको लिख लेना है, और फिर आप लोगों को उसको उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है, यानी कि उर्दू में लिखना और पढ़ना है। जितना ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप लोग उर्दू को सीख पाएंगे, और इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू को लिखने की कोशिश करें और पढ़ने की कोशिश करें। जहाँ पर भी उर्दू लिखा हुआ दिखाई दे आप लोग उसको पढ़ने की ज़रूर कोशिश करें। इस तरह करेंगे तो आप लोग बहुत जल्द उर्दू सीखेंगे। ठीक, तो कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।